हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हैक्स। यार आप देख पा रहे हो पीछे का बैकग्राउंड कुछ चेंज सा है। ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि कॉलोनी में घर बंद पड़ा हुआ था, इसमें लॉक लगा हुआ था यार, तो मैं यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा हूँ। अब आप पूछोगे भैया अपने रूम में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, यार इसलिए क्योंकि कल रात से वहां में लाइट नहीं है और बड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियोस बनाने में क्योंकि लाइटिंग कंडीशन बहुत बेकार है मेरे रूम में, ठीक है। तो यार मुझे इसलिए बाहर आके वीडियोस बनाना पड़ रहा है। मुझे पता नहीं है ये घर किसका है, बस बंद पड़ा हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज थी यार, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो आप तक पहुंचाना था। यार स्कूल रीओपनिंग की बात कही गई है, यस स्कूल को खुलने का एग्जैक्ट डेट पता चल गया है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, एग्जैक्टली क्या रेगुलर बेसिस पे क्लासेस खुल जाएंगे, कुछ ऐसा है क्या, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए विजिटर हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि हमारे चैनल पर आपको यूजफुल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। आप अभी से मैं यार 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने सितंबर में स्कूल खुलने की कुछ पॉसिबिलिटीज बताई थी, बट कई लोग ऐसे भी थे जो हेट कमेंट्स कर रहे थे। बट मैं उन्हें बताना चाहता हूँ यार कि हमारा चैनल कभी भी क्लिकबेट नहीं करता। मैंने कहा था स्कूल सितंबर में खुलेंगे, स्कूल सितंबर में खुल रहे। मैं कब हो गया ये? यस दिस इज फाइनल डिसीजन टेकन बाई MHA। अभी पूरा न्यूज क्या है यार, देखो मोस्ट ऑफ द चीजें जो हमारे कंट्री में है वो सितंबर से खोले जा रहे हैं अनलॉक 4 के फेज में, जैसे मेट्रोज हो गए हमारे, स्कूल हो गए हमारे, और भी कई सारी चीजें जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज की फ्रीडम हो जाएगी, आप पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैलीज होती है ये सारी चीजें खुल जाएंगी। जब नंबर ऑफ केसेस 35 लाख 36 लाख केसेस हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, जिसमें 25 से 26 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग 7.5 से 8 लोग अभी एक्टिव हैं, 7.5 से 8 लाख केसेस इंडिया में एक्टिव है कोरोना वायरस की। तो यार केसेस काफी कम हो गई हैं और हमें एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर में या अक्टूबर में हमारे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल पाएंगे। बट फिर भी जो सितंबर में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है स्कूल खोलने का, वो क्या है, वो ये है भाई कि देखो सबसे पहले तो टीचर्स के लिए है। टीचर्स अगर जो मैनेजर है, जो प्रिंसिपल है स्कूल के, वो अगर चाहे तो वो 50% टीचिंग स्टाफ को अपने स्कूल में बुला सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा सके, और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क हो गए, जो फीस वीस लेते हैं वो लोग हो गए, जो वर्कर्स हो गए स्कूल के, आप उनके साथ स्कूल में आ सकते हो, बट याद रहे केवल 50%। ऐसा इसलिए है ताकि यार बहुत ज्यादा इन्होंने एक स्ट्रिक्ट सी चीजें कही है, कहा है कि एक सीलिंग के अंदर, एक छत के नीचे आप कह सकते हो कि 50 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर बहुत बड़ा सा हॉल है, ओपन हॉल है, तो 50 लोग से ज्यादा उस हॉल में नहीं होने चाहिए। तो टीचिंग स्टाफ 50% टीचिंग स्टाफ स्कूल में आ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए। जो टेली चीजें जैसे है, फॉर एग्जाम्पल एडमिशन के लिए, फीस के लिए जो वर्कर्स रखे हैं, उनके साथ भी आप स्कूल 50% लोगों के साथ स्कूल चला सकते हो। तो ये तो बात रही टीचर्स की, यार काफी राहत है टीचर्स के लिए क्योंकि अब टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते थे घर पे और उन्हें पेमेंट की इश्यू होती थी, वो अब नहीं होने वाली है क्योंकि उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, क्या स्टूडेंट्स भी स्कूल जा सकते हैं? यस, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं जा सकते हो भाई, लेकिन अगर आप चाहो, देखो गवर्नमेंट ने सारा जो जिम्मा है ना वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पे डाल दिया है। कहा है कि 21 सितंबर से आप अगर चाहें तो क्लास 9 टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स स्कूल जा सकेंगे गाइडेंस लेने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, इसलिए 21 सितंबर से अगर आप चाहें तो आप स्कूल जा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप घर पर बैठे रहें क्योंकि रेगुलर क्लासेस तो 30 सितंबर तक क्लोज हैं। लेकिन ये पूरी डिसीजन आप पर छोड़ा है, अगर आप चाहें तो आप 21 सितंबर के बाद स्कूल जा सकेंगे, अगर आप ना चाहें तो आप ना जाइए। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो आपके पेरेंट्स के विद परमिशन होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप ही चाहेंगे तो आप स्कूल चले जाएंगे। आपके पेरेंट्स जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो यार
टीचर्स 50% टीचर्स स्कूल आ सकते हैं, स्टूडेंट्स अगर चाहें तो नॉट ऑन रेगुलर बेसिस लेकिन डाउट क्लियर के लिए या गाइडेंस लेने के लिए वो स्कूल जा सकेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशल रिसोर्सेज की वजह से वो क्लासेस ना ले पा रहे हो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये अच्छी न्यूज़ है। तो आई होप आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी यार, चैनल को सपोर्ट करते रहिए भाई लोग, क्योंकि चैनल में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी सीबीएसई से रिलेटेड न्यूज़ है, सीबीएसई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, वो हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।